तो हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोमीष्टं साक्षात् येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति सपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पद्मं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातां सागना रघुनाथं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान सागना रणिता श्री विशाखामृतांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी जी नाम ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारणे निर्विशेष श्रीवादी पासा चारणे वान सकल गुरु वैशा कृपा सिंधु वेशा भक्ता नाम पावन दो वैष्णव गुरु नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने गौर सत्य स्वरूप है रूपा ने वराय थे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर चैतन्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु बिंदु बंधु जगत प्रति गोपसा गोपी गंधा राधा गंधा नमो सिते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी युष्मानु सिद्ध देवी कर्ण मामि हे प्रिय विनाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने गणबंध सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। अरे तो हम लोग कहाँ पर थे सिंपल? 1930 1930 जस्ट मिनट। लास्ट टाइम बसेस वर्णाश्रम पे थे। ब्यूटीफुल वर्ड्स। शेयर करता हूँ। अरे हाँ हाँ ओके तदो तदोपसम तदोपसंहित गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम अनादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरास्ते अमिलिद्रिक विधारय। तू पढ़ेगा इसका अर्थ और तात्पर्य हिंदी में? हरे कृष्णा। तत्पश्चात पढ़ेगा। वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्ध में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। हरे कृष्ण। हरे काफी बड़ी मदद। कृष्ण। अपना भौतिक शरीर त्यागते समय विष्णु देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतः यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8.5 से 15 में हुई है। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 7 अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। हे पार्थ अर्जुन,
जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रख कर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। 9. मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतर से लघुतम सबों के पालक समस्त बुद्धि से भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, जो सूर्य की भांति तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। 10. मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित विचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राणों को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। 11. जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महामुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति योग का धारण कराया जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु के सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। 13. इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। 14. हे पृथक पुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। 15. महापुरुष जो भक्ति योगी है, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इन दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भीष्म देव की इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त हुई और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभी श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अतः विष्णुदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे। भगवत कृपा से श्री विष्णुदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो खास कर श्लोक की जो ट्रांसलेशन है, देयर अपॉन दैट मैन हु स्पोक ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स एंड हु फॉट ऑन थाउजेंड्स ऑफ बैटल फील्ड्स एंड प्रोटेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ मैन स्टॉप स्पीकिंग एंड बीइंग कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल बॉन्डेज विथड्रू हिज माइंड फ्रॉम एवरीथिंग एंड फिक्स्ड हिज वाइड अपॉन आइज ऑन द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा हु स्टूड बिफोर हिम Poor handed dress in yellow garments and glittering stone. तो भीष्म देव जिसको लेजेंडरी हमें बोला जाता है, तो वो भीष्म देव जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, वो महाजन में एक है ना, जिन्होंने हजारों युद्ध लड़े थे। और इसका एक और मीनिंग है जो चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, सैसणी का एक और मतलब है, जिन्हों जो अकेले ही अपने दल के हजारों रथों की रक्षा करने में सक्षम थे, ताकि उनके कोई अटैक नहीं कर सके, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। तो इतने शक्तिशाली भीष्म देव अभी क्या कर रहे थे? अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया, पहले ही बहुत कुछ बोल दिया था, अब नहीं बोलना है। स्त्री धर्म, राज धर्म, सारे धर्म में बोलने के बाद अभी शांत हो गए और आंखें एकदम खुली खुली रख के अब वो आंखों से सिर्फ कृष्ण की मधुरता का आस्वादन कर रहे थे। तो पूर्ण रूप से कृष्ण में डूबे हुए थे भीष्म देव, और उस समय वो
शरीर त्यागने का निर्णय लेता है। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए कई जगह कई बार बताते हैं कि भक्तों के लिए हो सकता है ये संभव ना हो कि वो कृष्ण के दर्शन कर सके मृत्यु के समय, किंतु कृष्ण एक माध्यम से आते हैं जिससे हर व्यक्ति आराम से कृष्ण में हो सकता है, और वह हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। तो प्रभुपाद भी जो अपने आखिरी दिनों में थे तो सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे आसपास, और वहां पर कृष्णदास बाबा जी बैठे हुए थे। कृष्णदास बाबा जी महाराज चारु महाराज को कहते हैं कि ध्यान से देखो प्रभुपाद जी की जीभ हिल रही है, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। तो उस तरह से जो भगवान के महान भक्त हैं वो कैसे जीना है ये सिखाते हैं, और कैसे शरीर त्यागने वो भी सिखाते हैं। तो हालांकि कृष्ण बोलते हैं यहाँ पर के आखिरी समय में जो मुझे याद करता है वो मेरे पास में आता है, लेकिन भक्ति शास्त्री कोर्स में भी हमने सुना है ये योग में सिर्फ भक्त के लिए। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि योग में सिर्फ भक्त के लिए भी उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यम यम वापिस स्मरण करम चिंतन कलेवरम सदा तद भाव भाविता। जिस भाव से हम जीवन भर भावित रहे हैं अंतकाल में भी वही भाव रहता है, अंतकाल में वही भाव रहता है। जैसा हम अपने जीवन में देख सकते हैं जब भी जीवन में बहुत विपदाएं आती हैं तो हम किस चीज का आश्रय लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम कृष्ण भावित हैं कि नहीं। तो कई बार मेरे साथ भी हो चुका है और भी लोगों का हुआ भक्तों के साथ में, कभी ना कभी हम नहीं चाहते हो लेकिन होता है कि कई बार ऐसा लगता है मृत्यु के बाद करीब आ गए। तो उस समय जो चेतना है वो वही चेतना रहती है जिस चेतना से हम लोग जीवन भर भावित रहे, तो वही चेतना रहती है। हालांकि हमको उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहले मैं बहुत कोट कर चुका हूँ, चरम श्लोक में से एक श्लोक हूँ श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, कि भूदेवी वरादेव से कहती हैं कि ये जो मेरे बच्चे हैं पृथ्वीवासी, वो मान लीजिए जीवन भर आपकी भक्ति करते हैं और अंत काल में कफवात पित्त के कारण आपका स्मरण नहीं कर पाते हैं तो इनका क्या होगा। तो वरादेव क्या कहते हैं, यदि वातादि दोषे न मद भक्त माम च न स्मरे अहम स्मरामी मद भक्ता नयामी पराम गतिम। तो यदि वात आदि दोषे न, कफ पित्त वायु के कारण हो सकता है मेरा भक्त मुझे स्मरण न कर पाए, लेकिन मुझे तो कफ पित्त और वायु परेशान नहीं करती है, तो मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा और उसको कहाँ ले जाऊंगा, भगवधाम लेके जाऊंगा। हाँ, और उसके पहले वाला श्लोक है जिसमें वो बताते हैं वरादेव कि जब तक मेरा भक्त स्वस्थ है और उसने मेरी सेवा की है, तो अब वो अस्वस्थ हो गया है मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैं उसकी इस समय मदद नहीं करता हूं तो मैं तो कृतघ्न हो जाऊंगा कि जब तक स्वस्थ था सेवा ली, अब अस्वस्थ है तो सेवा मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा उसको, ऐसा नहीं है, मैं कृतज्ञ हूं। तो जो जब भक्त स्वस्थ होता है अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है, तो जब वो अस्वस्थ होता है भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है, भगवान हमको संता का शिष्य करनी है कि जब तक शरीर जात साथ भक्ति करनी है, तो इसी पे ध्यान रखना। ठीक है, तो भीष्म देव इस तरह से कृष्ण को स्मरण करते हैं और उनका उनके ऊपर चिंतन करने लगते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण में डूब जाते हैं। अब 31 नंबर, विशुद्धया धारणया हता शुभस तदीक्षया ईक्षे वासु गता युध शर्मः निर्वृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति ब्रह्म विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृजनार्दनम। हरे कृष्ण प्रभु जी,
शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारे इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तात्पर्य धन्यवाद। तात्पर्य निष्करण मात्र हरे कृष्ण। हाँ जी। तो इस तरह से भीष्म देवता की इच्छा मतलब कृष्ण की कृपा से हाँ, तो वे ब्रह्मा जहां जहां उनकी इंद्रियां यहां वहां घूम रही थी। क्यों घूम रही थी? इतना दर्द हो रहा था। अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख और बहुत ज्यादा दुख मिलता है तो इंद्रियां उनमें रम जाती हैं, इंद्रियां उनको भूल नहीं पाती है। अगर बहुत सुख मिलता है तो भी मन को केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत दुख मिलता है तो भी केंद्रित करना मुश्किल होता है। तो खासकर व्यक्ति जब बहुत दुख दर्द में होता है तो कई बार भगवान का स्मरण करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, उससे उनको इतना आस्वादन मिल रहा था कि वो शरीर के सारे कष्टों को भूल गए, सारे सारे कष्ट शारीरिक कष्टों से ऊपर आ चुके हैं। तो कई वक्तों में जीवन हमने देखा भी है, खासकर एक बार कृष्ण के नाम में, कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण कथा में आस्वादन आने लगता है तो शारीरिक चेतना के ऊपर चले जाते हैं। तो प्रभुपाद के समय भी, जब प्रभुपाद आखिरी दिनों में थे तो शरीर इतना कष्ट दे रहा था, लेकिन प्रभुपाद को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रभुपाद के जो तात्पर्य है आखिरी दिनों के, या आखिरी तात्पर्य है, वो उतना ही क्लियर जितना पहला तात्पर्य क्लियर। तो प्रभुपाद अफेक्टेड नहीं थे। भक्ति तीर्थ महाराज, उनको तो मेलानोमा कैंसर हुआ, उसकी वजह से पूरे हाथ पैर सब काट दिए गए थे, दोनों पैसे लगे थे उनके। लेकिन जब वो एक वेदवासी आके वहां पर कीर्तन करने लगे तो महाराज कहने लगे जो आनंद अभी मुझे मिल रहा है वो कभी नहीं मिला पहले, क्योंकि उनको कृष्ण प्रेम का जो आनंद मिल रहा था वो पहले कभी नहीं मिला था। तो इस तरह से भक्त लोग भूल जाते हैं। एक और भक्त थे, वो हमारा भक्ति वाला क्लास अटेंड कर रहे थे 2 साल पहले। तो वैसे वो बहुत सीनियर है, वो आरजीबी है, वो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के, गंगापति प्रभु सर, गंगापति, हाँ गंगापति प्रभु से कुछ नाम था उनका, अब याद नहीं आ रहा मुझे नाम। तो मुझे वो अपना साक्षात्कार बता रहे थे क्लास के बीच में। तो कुछ एक्सरसाइज हो रही थी तो हम तो उसमें बोल रहे थे कि मुझे भी कैंसर हो गया, मैं यहाँ पे भक्तिवान हॉस्पिटल में हूँ और ये बहुत दर्द करता है कैंसर, लेकिन जब भी मैं भक्ति वाला क्लास अटेंड करता हूं तो मैं भूल जाता हूँ सब, वो कुछ फिर दर्द नहीं करता। क्योंकि तो उनको हरि कथा में उतना आनंद आ रहा था कि वो हरि कथा के चक्कर में सब भूल जा रहे थे। तो उस तरह से भीष्म देव भी, उनका इंद्रियां जो यहां वहां जा रही थी ना, अपने दर्द दुख दर्द के कारण या फिर कंसर्न के कारण कि भाई पांडवों क्या होगा, पूर्ण रूप से वो कृष्ण में केंद्रित थे। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण रूप से कृष्ण में केंद्रित रहता है। श्री भीष्म वाचा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वासुखमुपगते क्वचित विहरतु प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य, पढ़िए दोनों पढ़िए इसका। कृष्णा हाँ जी, विष्णुदेव ने कहा अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, कि अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। इष्टदेव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कि कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है,
क्योंकि भीष्म देव एक राज पुरुष कुरुवंश के मुखिया महासेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, तथा उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विविध बातों में लगी रहती थी। अच्युत भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही सारे चिंतन अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें यानी कि श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। प्रतिपदी भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त एक धारा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी भगवान कृष्ण के रूप में जो स्वयं है, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक है। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वता कहलाते हैं। तो भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी है, इसलिए विष्णुदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक वह भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उनके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता 10.10। भगवान सामान्य भक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उनके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे भक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों भक्तों तथा भक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। ये समस्त जीवों के अग्रणी है। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा भक्त के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई में बुराई से परे होते हैं, या अधात पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पुण्यां से कारणोत्साही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते। अतः उन्हें विभू या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भीष्मदेव अपूर्ण रूप से कृष्ण पे ही केंद्रित है। तो भीष्मदेव सोचते हैं कि अभी मेरी मृत्यु का समय आया है, इति मतेर। तो इस समय जब मैं मृत्यु के बाद निकट हूं तो मैं क्या भगवान को दे सकता हूं? मतिर, मैं अपनी मति भगवान को दे दूंगा। मति मतलब मन। तो वो सोचते हैं कि वो भगवान जिनकी जीवन भर मैंने जिन पर ध्यान किया है, आज वो मेरे समान सामने खड़े हुए हैं। और जब वो मेरे सामने खड़े हुए हैं तो कुछ तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कुछ तो भगवान को देना चाहिए। लेकिन इस जगत में भगवान को देने के लायक कुछ है ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या दे सकता हूं भगवान को? भगवान को मैं अपना मन दे सकता हूं। तो फिर कोई बोल सकता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, आप क्यों भगवान को कुछ देना चाहते हैं?
अगर भीष्म देव के लिए कोई और होता तो बोलता कि भाई हमको इतना दुख दुख दो, भगवान हमको दुखों से मुक्त कर दो। लेकिन भीष्म देव मांगते नहीं, भीष्म देव क्या कहते हैं, मुझे कुछ भगवान की सेवा करनी, कुछ देना है। तो कई लोग जो मांगने जाते हैं, तो फिर भीष्म देव क्या कहते हैं, वितृष्णा, मेरे मन में कोई भी अपेक्षा नहीं बची है, इसीलिए मैं अपना मन अब भगवान को देना चाहता हूं जो षडैश्वर्यों के स्वामी है। तो फिर कोई कह सकता है, कह रहे आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण षडैश्वर्य के स्वामी है? नारायण को 6 स्वरों का स्वामी कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहा जाता है। तो भीष्म देव कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नारायण से ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? यदुकुल के जो स्वामी हैं कृष्ण, वो ज्यादा फेमस है। इन्होंने उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया है, सातवत पुंगावे, पुंगवाने, हाँ कि आप सातवत हैं यदुकुल के, वो आप ज्यादा फेमस हैं। तो इस तरह से वो ऐसा कहते हैं। तो फिर उसके बाद में कोई बोल सकता है कि नहीं, पर नारायण को हम सब भी भगवान बोलता है, तो कहते हैं नहीं, विभूमि, भगवान कृष्ण नारायण के भी स्वरूप हैं, इसीलिए कृष्ण से महान कोई नहीं है, बल्कि सुखम, हाँ फिर उन्होंने क्या बोला, फिर वो बोले कि कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है, और इस तरह से कृष्ण सबसे ज्यादा आनंद कब लेते हैं, जब वो पांडवों के साथ में होते हैं या यादवों के साथ में होते हैं। तो इसीलिए नारायण को वो आनंद नहीं मिलता है जो कृष्ण को मिलता है, वो कृष्ण के यादव और पांडव जैसे महान भक्त है। तो ये जो है, ये भगवान कृष्ण की मुख्य क्वालिटीज है। मुख्य क्वालिटीज क्या है, कृष्ण अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और फिर उसके बाद में वो सेकेंडरी क्वालिटीज कृष्ण की बोलती है, गॉड, गॉड जो गुण है वो कौन से गुण है, कि भगवान पुरुष अवतारों के रूप में माया पर दृष्टिपात करते हैं, इससे सृजन होता है संसार का। तो ये भगवान का कौन सा है, ये भगवान की सेकेंडरी क्वालिटीज। तो भगवान जो भौतिक जगत के साथ में करते हैं, भौतिक सृष्टि के साथ में करते हैं, वो सेकेंडरी है, और प्राइमरी कौन सा है, जो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब भीष्म देव किसी और के बारे में ध्यान नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कृष्ण पर ध्यान कर रहे हैं। और अब वो कृष्ण के जिस रूप पर ध्यान कर रहे हैं उसका श्लोक आता है, या पीछे भी दोहरा भी सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। ओके, सेवा प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण जी, आई हैड आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ द भक्ति वैभव ऑल्सो. लाइक वी हैड डिस्कस्ड दिस पॉइंट दैट एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु, बट देन लाइक वाई ओवर हियर भीष्म देव इज स्टैब्लिशिंग दैट डिफरेंस. माने तो तो ये बार बार क्यों करेंगे, ये रस है, भागवतम इज मोर अबाउट रस, भागवतम है तत्व, तत्व इज सेकेंडरी, रस इज प्राइमरी। तो तत्व तब तक जरूरत होता है जब तक आप रस में नहीं प्रवेश करते हैं। एक बार रस में प्रवेश करने लगते हैं तो फिर तत्व कैसा हो जाता है, तत्व सेकेंडरी हो जाता है। निगम कलपत्र और गलतम फलम शुद्ध मुखाद अमृत देव समितम पिबत भागवतम रसम आलयम। तो ये रसों का आलय है, रसों का घर है, इसलिए भागवतम में भक्तों का क्या रस है कृष्ण के साथ, वो मेन फोकस है। जैसे कई बार हम हमारे जो खासकर नए नए भक्त होते हैं, उनकी आदत क्या होती है, जब लीला चलती है तो बड़ा अटेंटिव रहते हैं, लेकिन जब भक्तों की प्रार्थनाएं आने लगती हैं तो वो उसको हटा देते हैं, बोलते हैं फटाफट मांग लेके जाओ, लेकिन भक्तों की प्रार्थनाओं में वो रस रखा हुआ है, उसमें रस बना हुआ है। सो रस इज मोर प्राइमरी, क्योंकि जीवन में अगर आप देखेंगे, भले ही लोग नॉलेज नॉलेज की बात करते हैं, बट अल्टीमेटली लोग किसको ज्यादा रियलाइज करते हैं, रिलेशनशिप्स को, राइट?
तो जैसे आपको कॉमर्स की क्लास में ज्यादा मजा आता है या फ्रेंड्स का ज्यादा मजा आता है? शिवम को यू एंजॉय फ्रेंड्स और कॉमर्स क्लास? फ्रेंड्स विद फ्रेंड्स को फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हो जाता तो पूरा बकवास कर रहे हो, तत्व की बात ना कर रहे हो, क्योंकि जीवन में हर किसी को रस चाहिए, और सबसे ज्यादा रसिक व्यक्ति कौन है? कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति, इस एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द रसास। इसलिए रसा प्राइमरी हो जाता है, और जो तत्व है कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। वो हम लोग तब तक चाहिए जब तक हम लोग भगवान मेरा वॉइस इज ब्रेकिंग भगवान है, थ्रू उसका योर जो वॉइस। नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? रस का स्वाद। सो भीष्म देव हैं, कुंती महारानी है, जो भी भक्त हैं वो तत्व की बात करते हैं। वॉइस ब्रेकिंग। ओके ओके, सो जस्ट गिव मी मिनट, आई ज्वाइन कनेक्ट टू नंदन नेटवर्क। हरे कृष्णा। हाँ तो मैं पॉइंट क्या बोल रहा था, तो तत्व तब तक जरूरी है जब तक हम लोग रसों का स्वादन नहीं कर रहे हैं। एक बार रसों का स्वादन कर लेने लगते हैं तो वो ज्यादा सुप्रीम हो जाता है। सो प्रभु जी, लाइक वेन सम ऑफ द आचार्यस गिव एग्जाम्पल दैट कृष्णा इज मोर सुपीरियर दैन विष्णु, एंड लाइक यू नो दे गिव द एग्जाम्पल दैट इवन लक्ष्मी देवी वॉन्टेड टू एंटर इन टू रसा डांस बिकॉज विष्णु वॉज नॉट एग्जिबिटिंग दोज थिंग्स, सो दे आर एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रसा, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ तत्व. यस यस, जो कैसे सिंपल चीज है, जैसे मान लीजिए ओके, हम लोग का एक जीवन ऑफिस के अंदर है, एक जीवन क्या है घर के अंदर है। तो अगर कोई बोलता है कि शिवम प्रू इज मोर रिलेसेबल, हिज हस्बैंड इज मोर रिलेसेबल इन हाउस देन ऑफिस, दैट्स ओके। तो उसमें तत्व तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, या फिर लेट अस से ऑफ कोर्स नॉट इन योर केस, मान ली किसी की दो शादी हो, एक शहर में एक गांव में। वो व्यक्ति जब गांव में जाता है, गांव में जाके वो ज्यादा आनंद लेता है, शहर में वो थोड़ा फॉर्मेलिटी वगैरह रखता है, शी इज मोर रिलैक्स्ड। कोई गांव में जब जाता है, गांव में उसको जॉब नहीं है, गांव में घूमता घामता है, दोस्तों के साथ यहाँ वहां वो करता है, तो हो सकता है शहर की जो पत्नी है वो गांव में जाना चाहती है, तो उसको मालूम है कि हाँ ये गांव में जाता है तो कोई जॉब नहीं रहता है, 24 घंटा अपना आनंद लेते हैं, मैं भी इनके साथ में घूमूंगी। लेकिन फिर होता क्या है, जब वहां जाती है तो बोलती है अरे यहाँ बड़ी ऑस्ट्रेलिटीज है, वो ऑस्ट्रेलिटीज में सहूंगी कैसे, कोई गांव में भाई आपका एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, तो फिर नो शी नॉट एबल टू रियलाइज, शी वॉन्ट्स टू रियलाइज बट शी कांट रियलाइज। लक्ष्मी जी की वही स्थिति है, लक्ष्मी जी रासलीला में घूमना चाहती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि रासलीला में प्रवेश करना है तो फिर आप स्वामिनी बन के नहीं रह सकती, आपको दासी बनना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, साधारण ग्वालिन बनना पड़ेगा। तो वो लक्ष्मी जी बोलते हैं वो स्टैंडर्ड तो हम फॉलो नहीं कर सकते, इसी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। कई बार हमारे डिवोटीज भी बोलते हैं गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, बट रियली स्पीकिंग गोलोक के लिए वो सिंप्लिसिटी चाहिए। सो आई एम नॉट टेकिंग इट लाइक टू अदर साइड, लेकिन मैं कई बार डिवोटीज को देखा भी है कि कई बार बहुत पैसा कमा लेते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं,
तो कुछ ड्यूटीज को मैंने बोला, बोले कह रहे ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो गए अभी तो फिर आप व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू वृंदावन, या तो आप शहर में रहकर प्रचार करो, आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आराम से वृंदावन में रहो। तो फिर लोग क्या है, फिर अपना अपना वो स्टैंडर्ड कि ना एटलीस्ट यू हैव 10 करोड़, और यू हैव 20 करोड़, और यू हैव 50 करोड़, ना ओनली देन यू कंसिडर। और वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कि पॉइंट क्या होता है कि वो जो सिंप्लिसिटी है वृंदावन की, उसको एक्सेप्ट करना कहीं इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। सो एनीवे, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो रस है तत्व, सो इट्स मोर अबाउट रसा एंड लेस अबाउट तत्व। ठीक है सर, थैंक यस थैंक यू प्लीज। यू। अरे बोल, तो अभी इस श्लोक में हम लोग आते हैं, त्रिभुवन कमनम, हाँ आप रिपीट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम्बरम ददाने, रवि वपुर लका कुल्लाव वितान नाब्जम, विजय विजय सके रतिरस्तु मे अन्वद्या, तो इस श्लोक में वो भगवान का रूप का वर्णन किया गया है जिस पर भीष्मदेव ध्यान करते हैं, और जिसको भीष्मदेव का पूजनीय रूप है कृष्ण का। कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, अभी हम लोग ऐसे उसकी बात कर रहे थे कि हम लोग कृष्ण और नारायण की बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के भी विभिन्न रूपों में कुछ रूप ऐसे हैं जो पर्टिकुलर भक्त को बहुत प्रिय होते हैं। तो भीष्मदेव को ऐसा नहीं है कृष्ण की वृंदावन की लीला नहीं पता है, लेकिन भीष्मदेव को कृष्ण का ये वाला रूप बहुत पसंद है, इसके रूप में विजय सखे, अर्जुन के अर्जुन का रथ हाँकते हुए जो भगवान कृष्ण का रूप है। आप देखिए बहुत सारे मंदिरों में बाहर बना रहता है, कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं, तो वो भीष्मदेव उस पर ध्यान करते हैं, क्योंकि हर भक्त के पास एक चॉइस होती है कि वो कौन से रस में ज्यादा डूबे, वो इस रस में ज्यादा डूबे हुए। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुखमंडल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। तात्पर्य, जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ मध्यस्थ तथा अधो लोकों में होती है। ब्रह्मांड मर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है, अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यह विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद शरसैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि तो भगवान उसके सखा थे। भीष्म देव इस अवसर का लाभ उठाकर लाभ भगवान को विजय सके अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसे किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म प्रेम से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वाद कर रहे थे।
विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के ऐसा ऐसा भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रसन्नता संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्मविशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध पांच प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्म देव इसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जब भीष्मदेव कहते हैं कि मैं अपने मन की भावनाएं आपको अर्पित करना चाहता हूं, अपना मन अर्पित करना चाहता हूं, तो फिर कृष्ण पूछते हैं क्या भावना है, आप किस भावना की बात कर रहे हैं। तो भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं, तो भीष्मदेव वो देख क्या बोलते हैं, रतिर अस्तु में अन्वग्रया, मैं आपके प्रति एक शुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान बोलते हैं किसके प्रति या कौन से रूप के प्रति, तो फिर वो कौन सा रूप है, वो बोलते हैं विजय सखे, जो आप अर्जुन के सखा हैं उस रूप पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हाँ, वो रूप आपका जो क्या है, त्रिभुवन कमलम, तीनों भुवन में सबसे सुंदर रूप है, वो रूप जिसको देखने की आकांक्षा हर कोई करता है, बल्कि कृष्ण भी अपने रूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण जब भी नंद भवन में जहां मणियां लगी हुई हैं उनमें अपने रूप को देखते हैं, तो अपने रूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो सर कृष्ण इस पूरे तीनों भवनों में सबसे सुंदर है, और उनके वस्त्र कैसे हैं, रविकर। तो इस तरह से जो उनके वस्त्र हैं, रवि करे गौर वराम वरम अम्बरम, तो उनके जो वो है वो किसके जैसे हैं, रवि अर्थात सूर्य किरणों जैसे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं जब वो चला रहे थे तो और भीष्मदेव को देख रहे थे, उनको लग रहा था जैसे मान लीजिए कृष्ण के कपड़ों से सूर्य किरण निकल रहे हैं, तो कृष्ण के वस्त्र वैसे। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि जब आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे तो आपके ऊपर के वस्त्र और नीचे के वस्त्र बिल्कुल किसके जैसे दिख रहे थे, सूर्य के तमाम समान दिखाई दे रहे थे। तो वो जो रथी हैं अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, उस रूप की ओर मेरा क्या है, प्रेम प्रकट हो रहा है, रथी, तो उस रूप के लिए मुझे क्या चाहिए, वो रथी चाहिए ना। तो हालांकि कृष्ण उनके सामने थे वहां पर, उसके बावजूद वो अब किस रूप को देखना चाह रहे थे, वो रथी के रूप को देखना चाह रहे थे। और कारण क्या है, कारण है कि वो वीर रस में है, युद्ध के रस में। हाँ, जैसे जिन लोगों को, खासकर छोटे बच्चों को, छोटे मैं बच्चों में लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियां कई बार ना उनको घर बनाना, ये करना, गुड्डा गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लगता है, पर लड़कों को बंदूक ढूंढ 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 यहाँ वो करना, छोटे अभी भी याद है मेरे को, हम लोग का छोटी छोटी ये 50 पैसे वो आती थी कारतूस टाइप, उसको हम लोग करके रिश्तेदारों को मारते रहते थे, रिलेटिव को, वो लोग अपना बात करो और पीछे से कुछ गर्मा गर्म लग रहे तो शूटिंग करते रहते थे। तो बच्चे लोगों को थोड़ा सा लड़कों को बहुत वीरस पसंद है, झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो भीष्मदेव भी उसी रस में, और उसी वजह से कृष्ण का जो ये रूप है अर्जुन का रथ हाँकते हुए, ये उनको बहुत पसंद है। और वो कहते हैं अब मैं पूर्ण रूप से उस रस में डूबना चाहता हूँ, भगवान के रूप में डूबना चाहता हूँ और उसका आनंद लेना चाहता हूँ।
उसी को वो आगे भी डिस्क्राइब कर रहे हैं अगले श्लोक। युधिष्ठिराग्रजो विदो मृविशक्त कचलोलित समवारि अलंकृतास्य माम निशित शरीर विभिद्यमान सचिव लसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। पढ़िए इसका भी अर्थ होता पर। हरे कृष्णा, युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल से मुसरित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने भावों के इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तात्पर्य, भगवान शाश्वतता ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है, अतः जब भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा पांच प्रमुख संबंधों रसो अर्थात शांत दास के साक्ष्य वात्सल्य तथा माधुर में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तो भगवान इसे ग्रहण करते हैं। श्री विष्णु देव दास के भाव से भगवान के महान भक्त हैं, तथा भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्णवाणों की वर्षा इस अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ विष्णु देव ने जो कुछ किया था उनके लिए वे पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में अपना दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है, संत पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। इसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा विनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, नहीं उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तो वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं जो भगवान के उनके अवतार लेने के कारण से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा को कभी निशांश नहीं होता। अतः भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वे मोहित नहीं होते। भीष्म देव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। अतः भीष्म देव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान के करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। ये कहते हैं कि भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, सुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतः भगवान तथा उन्हें भक्त की विष्णु देव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वो किसी भी प्रकार से संसारी न था। उनके इसके अतिरिक्त उनकी भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतः परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना ही नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न भाव सामान्य व्यक्ति को चकराने देने वाला है, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान हो वैसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। विष्णु देव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न भाव से भगवान परम प्रसन्न थे। विविध माना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न है। तो हमारे लिए विविध मान अथवा रगड़ खाया एवं कटा हुआ
अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है कि दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अत्यंत उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव के होने के कारण वहाँ तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न भाव आनंद प्रदान करे थे। उचित भीष्म देव वीर रस के भक्त है, तथा उसी छत इच्छक दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो भीष्म देव इस तरह से उस रूप पे जब ध्यान करते हैं और धूम में और डूबते जाते हैं। भीष्म देव क्या कहते हैं, वो कृष्ण उन पर मैं ध्यान करता हूं जिनका मुखमंडल उनके घुंघराले बालों से ढका हुआ है, और क्योंकि वो रथ बहुत तेजी से चला रहे हैं उसकी वजह से जो रणभूमि की जो रज है वो ऊपर उठ रही है और उनके मुखमंडल पे आ रही है। तो जनरली किसी मुंह पे अगर धूल होती है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भीष्म देव को वो रूप अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर क्योंकि वो रथ हांक रहे हैं तो उस परिश्रम के कारण उनके चेहरे में क्या है, उनके चेहरे में पसीना है। दूसरे तरह हम देखते हैं जब कोई पसीना आता है तो लोग बोलते हैं थोड़ा मुंह धो के आइए, लेकिन भीष्मदेव को उसमें आनंद आ रहा है ना, क्योंकि भीष्मदेव उसमें क्या देख रहे थे, कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो प्रेम है उसको देख रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको देख के बड़ा आनंद ले रहे थे। और फिर भीष्मदेव उन पर तीर चला रहे थे, कम से कम जो योद्धा होता है वो तो अपने पास में अस्त्र शस्त्र भी रखता है, ढाल भी रखता है, बहुत सी चीजें रखता है, लेकिन जो रथी होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। और कई बार अगर रथ को रोकना तो सबसे पहले घोड़ों को, रथों को, रथी को ही मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में। तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा वो लेते हैं, रिस्क लेते हैं जो लोग युद्ध क्षेत्र में वो करते हैं, रथ चलाते हैं, रथ हाँकते हैं। तो सिर्फ भीष्मदेव कि जो तीर हैं वो कृष्ण के शरीर में जा रहे थे, और भीष्म कह रहे थे कि वो जो रूप है भगवान का वो मुझे बहुत आनंद देने वाला है। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, अगर किसी के साथ प्रेम है तो आपके उसके शरीर में घाव नहीं दे सकते हैं। और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं इट इज लाइक लवर्स फाइट, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। और वो बोलते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो जिसने कृष्ण पे इतना आक्रमण किया है कृष्ण उसके सामने क्यों जाते हैं, तो कृष्ण उनके सामने जा रहे हैं, समक्ष जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो सिद्ध क्या हो रहा है कि कृष्ण उसका आनंद ले रहे थे उनके तीरों का। और फिर चक्रवर्ती बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के शरीर में वो जा रहा था, तो कृष्ण ने अपने शरीर में कवच पहना हुआ था तो कवच में कवच को थोड़ा सा भेद रहा था उनके जो तीर थे, लेकिन बीच में देव उसका भी आनंद लेते। और फिर उसके बाद में वो अपने ध्यान को और लेके जाते हैं अंदर उस रूप पर, वो और भी ध्यान करते हैं। सपदि सकौ वचो निसम मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश सिद्धवती पर सैनिकायुर अक्षणा हितवती पार्थ सके रतिर्ममास्तु। पढ़िए इसका भी अर्थ, इसके बाद तो तात्पर्य दोनों पढ़ सकते हैं, ये सब बहुत रसिक श्लोक है। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य, भगवद गीता में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तक
तब तक कह रहे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा ही कर दिया, मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेशवाहक, चाहे वे जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहुति कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्तों के आदेश का पालन एक तत्पर राज की तरह करते हैं। अपने भक्तों के आदेश का पालन करते हुए जो उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने के आदेश को पूरा करने प्रसन्न होता है, यह तभी संभव है जब भक्ता उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो और विश्व सत्य से अवगत थे। इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखी कहकर संबोधित किया। भगवान ने अपने कृपा को चित पर से भक्षु के क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, तो मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतः अर्जुन के शत्रुओं का क्षीण हो क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष रहे थे। आवाज मेरे लिए हो रही है कि सबके लिए हो रही है? नहीं आ रहे प्रभु जी आवाज माता जी का। नहीं आ रहा ना? ओके ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जोड़ी तरह से पड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे डिवोटी से पढ़ लिया होगा इंडिविजुअली, तो मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट कर देता। तो अभी भीष्मदेव क्या याद कर रहे हैं, उस समय को याद कर रहे हैं जब अर्जुन कृष्ण से कहता है। सो अर्जुन कृष्ण से क्या बोलता है, सेनोर मध्य रथम स्थापते मच्युता यावत एवं निश्चयम् युद्ध कामन अवस्थितान। जो युद्ध की कामना से यहाँ पर अवस्थित हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, उनका निरीक्षण मैं करना चाहता हूँ कृष्ण, इसलिए आप क्या करिए, सेनोर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए और अपने भक्त से प्रेम के कारण कृष्ण तुरंत आदेश का पालन करते हैं। वो सेनाओं के मध्य में रथ को लेके जाते हैं और जब वो रथ को लेके जाते हैं तो क्या होता है, यम ये निरीक्ष हतागता स्वरूपम। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, देखो तुम देखना चाह रहे थे ना कौन उस कपटी दुर्योधन के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार है, ये देखो भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, मतलब सबको दिखाते हैं। ऑफकोर्स कर्ण उस समय नहीं थे, कर्ण बाद में आते हैं, लेकिन ये द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, शकुनी, ये सब ना इनको दिखाते हैं। और उस समय कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण सबके प्रारब्ध कर्मों को चुरा लेते हैं। देखिए हमको जो शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ है प्रारब्ध कर्मों के कारण, और जैसे ही प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपने दृष्टिपात से सारे प्रारब्ध, सबके प्रारब्ध कर्मों को ले लिया, फिर उनको शरीर की आवश्यकता नहीं थी। तो शरीर की आवश्यकता नहीं तो क्या होगा, अब वो सब कुछ सब मारे जाएंगे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा, वो सब कृष्ण के पास वापस आएंगे। तो इस तरह से भगवान ने अपने दृष्टिपात से सबके प्रारब्ध कर्मों का सूख लिया या चूस लिया, सबको खत्म कर दिया। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। तो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि भगवान भगवान है, भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने निरीक्षण करके क्या किया, अपनी दृष्टिपात से सबको मुक्त कर दिया, सबको भगवत धाम भेज दिया। व्यवहति प्रतना मुखम निरीक्षा स्वजन वधा विमुख से दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरत आत्मविद्या यस
चरणरथी परमस्य तस्य मे अस्तु। अभी वो और भी ज्यादा ध्यान कर रहे हैं उस पर, उस रूप पे। पढ़िए इसको तो, रितंदा रितंबरा मत पढ़ सकती हूँ अगर आपके पास हो। हरे कृष्णा, हाँ जी। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन हमें अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित होता हुआ लग रहा था। भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव में आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हरे कृष्णा से तात्पर्य पढ़ना। हाँ मत पढ़ लीजिए। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। जब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे, जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़े रहे होते, तो राजा या सेनापति घर बैठे नहीं रह सकते थे। ये आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे। योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हो। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के कार्यकारी प्रधान तथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोग आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न आ रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के प्रभावों से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासन को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा राज्य लिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह तो दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण वह स्वाभाविक था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतः उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था। इससे कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था। जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से स्पष्ट है, निश्चय अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर के मिथ्या आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो चरण रति परमस्य तस्य मे अस्तु, उनके चरणों के प्रति मेरा मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो। किनके चरणों के प्रति? हाँ, जिन्होंने क्या किया, कुमतिम अहरत आत्मविद्यास्यस्। जब अर्जुन को कुमति हो गई थी, जब वो अविद्या में फंस गया था, तब भगवान ने क्या किया, आत्मविद्या सिखाई उसको। अर्जुन कह रहा था कि नहीं नहीं मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, ये आतताई है, सर ये वो है हमारे स्वजन है। तो कृष्ण ने बोला नहीं नहीं ये तो आतताई है, आतताई को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं नहीं नहीं, नहीं। कृष्ण अर्थशास्त्र के अनुसार आप उनको मार सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग गुरु हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो कितने भी पतित क्यों ना, उनको नहीं मारना चाहिए। आचार लोगों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। तो फिर अर्जुन कृष्ण क्या बोलते हैं, अरे तुम बुद्धिमान हो, तेरे बात कर रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि ज्ञान धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र
इन सब के ऊपर कौन से शास्त्र हैं? ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्रों के अनुसार ना हम शरीर नहीं हम आत्मा है। और फिर धीरे धीरे कृष्ण और ऊपर लिखे जाते हैं अंदर बुझे वाला डर में। तो काम शास्त्र होते हैं, काम शास्त्र के ऊपर अर्थशास्त्र, शास्त्र के ऊपर होते हैं धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के ऊपर होते हैं मोक्ष शास्त्र, जिनको ज्ञान शास्त्र भी कहते हैं। पर ज्ञान शास्त्र के ऊपर कौन से शास्त्र है? भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र सबसे ऊंचे। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान कह देते हैं, वो मति देते हैं ना। तो इस तरह से उन पर मैं ध्यान करता हूं। और चक्रवर्ती बात बताते हैं कैसे अर्जुन की जो मति गई थी वो किसके जैसा, जैसे यहां पर युधिष्ठिर महाराज की मति जा रही है। यहां पर युधिष्ठिर महाराज की मति गई और युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो ये तो असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि भली अर्जुन हो या युधिष्ठिर महाराज हो, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को एक कुमति क्यों दी? ताकि भीष्म देव की प्रशंसा हो सके। कि भीष्म देव ने उनको कन्विंस किया, जिनको कृष्ण भी कन्विंस नहीं कर पाए, जिनको व्यास देव भी कन्विंस नहीं कर पाए। तो इस तरह से कृष्ण ने किया। और अर्जुन को वहां कुमति दी ताकि भगवद गीता के द्वारा पूरे संसार पर उद्धार हो सके। और कृष्ण आत्मविद्या देना चाह रहे थे, वरना अर्जुन के लिए कुमति होना संभव है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन भी नर का अवतार है। वो मात्र भगवान का नित्य पार्षद नहीं है, वो नर का अवतार है, तो उसकी तो कुमति हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि कृष्ण क्या देना चाह रहे थे? आत्मविद्या। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को कुमति दी। और फिर देखिए करंट कंटिन्यूअसली उनका उसी में ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जा रहा है कृष्ण की लीलाओं में। हाँ न्या माता जी बोली। प्रभु जी नर का अवतार मतलब? नर नारायण ऋषि है ना, उसमें नारायण कौन है? कृष्ण। और नर है अर्जुन। स्वनिगमम अपाह, स्वनिगमम अपाहे मत प्रतिज्ञां हिताम अधिकर्तुम अप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अभयाच चलद्गुर हरिर इव हन्तुम इभम कतोत्तरीयः। पढ़िए ये, देखिए ये उनका एकदम पीक सीन है जिसपे वो ध्यान कर रहे हैं। पढ़िए इसका भी अर्थात आप पर। हरे कृष्णा, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ सकता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़ना? हाँ माती पढ़ी, तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, इसके साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया, वे अर्जुन से पुत्री व स्नेह के कारण उसे मारने में हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता, अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशेष हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिए, इससे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्मदेव को यह समझते देर न लगी ये भगवान कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था, परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की कि मैं कोई अस्त्र नहीं क्योंकि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस तरह झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश इसका इसका होश तक न रहा कि रास्ते में इनसे क्या गिर गया। तो भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए, स्वयं अपने प्रिय प्रभु कृष्ण श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि तो साक्षात भगवान अवतारूढ़ थे। लेकिन चूंकि विष्णुदेव चाह रहे थे कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, तो भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। ये भीष्म देव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अभी भीष्म देव भगवान के उस रूप को धारण कर याद कर रहे हैं जहां पर पूर्ण रूप से उन्होंने वीर रस का स्वादन किया था। और जनरली क्या बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा ख्याति देना चाहते हैं, तो वो भीष्म देव अभी समझाने जा रहे हैं वो इस श्लोक में और अगले श्लोक में कि हमने खुद देखा है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा ख्याति प्रशंसा सब देना चाहते हैं। वैसे प्रभुपाद जी एक और जगह लिखते हैं, कहते हैं कि महाभारत का हीरो कौन था? अर्जुन। और रामायण के हीरो थे हनुमान जी। तो भगवान राम का नाम लिख के, भगवान राम लिख के, चलो भगवान राम का नाम लेके हनुमान जी ने पूरे समुद्र को पार कर दिया। जरा तलांगे गए अथर नाहीं, तो कब नाग लांगे पता नहीं चला, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, अपने लिए वो बनवाया, पुल बनवाया ये दिखाने के लिए भाई मैं नहीं लांग सकता। तो उस तरह से भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा ख्याति देना चाहते हैं। तो जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे, कृष्ण ने जरासंध को कितनी बार छोड़ा? हाँ, मारा नहीं उसको। और आखिरी जब जरासंध कालियावन के साथ में आया तो कृष्ण भाग गया, क्योंकि रुक्मिणी का पत्र आया था। तो वो दिखाने लगे ऐसे कि अरे हम जरासंध से डर के भागे हैं। और फिर भगवान ने क्या किया, जरासंध को खुद नहीं मारा, भीम के हाथों मरवाया, ताकि भीम को वो ख्याति प्राप्त हो सके कि जरासंध जैसे शक्तिशाली योद्धा को किसने मारा, भीम ने मारा, कृष्ण ने मारा। तो भगवान अपने भक्तों को ज्यादा ख्याति देना चाहते हैं। और यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं ये स्वयं मैंने देखा है ना, स्वानिगमन, कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि तो कृष्ण ने वानप्रस्थ धारण कर लिया था। एक्चुअली ये मेरे कारण है कि हाँ, हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ अर्जुन का साथ देंगे, रथ को हाँक, क्योंकि हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया, हम अस्त्र क्यों उठाएंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा ली, और इसलिए वो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, जब कृष्ण ने देखा कि या तो मेरे भक्तों की रक्षा होनी है या भक्तों की रक्षा भी होनी चाहिए और साथ में मेरे भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भी होनी है, होनी चाहिए, तो अर्जुन के प्राण की रक्षा भी करनी है मुझे और भीष्म देव की प्रतिज्ञा की भी रक्षा करनी है। कि भीष्म देव ने बोला था कि या तो कृष्ण शस्त्रों को उठाएंगे अथवा पांडव मारे जाएंगे, तो कृष्ण बोला कि मैं अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं, क्योंकि ना मैं भक्त को मरते हुए देख सकता हूं और ना ही भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ टूटते हुए देख सकता हूं। इसे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली।
और फिर वो उसका विवरण पूरा बताते हैं ना भीष्म देव, कि भगवान ने उसके लिए क्या किया। भगवान रथ से कूद गए और इस तरह से दौड़ने लगे कि पूरी पृथ्वी कंपन में कंपन उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन ने पूरा डरा हुआ था। अर्जुन ने कहा, अरे कृष्ण, अगर आप शस्त्र उठा लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर तो पूरा धर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन कृष्ण अपने भक्तों के प्रति प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए आगे ले गए और हाथ में क्या लिया हुआ था, रथ का पहिया लिया हुआ था। और फिर वो जब इस तरह से भीष्मदेव पर हमला करने जा रहे थे, तो भीष्मदेव ने तीर अपने चलाए जो कि भगवान के शरीर में जाकर प्रवेश कर गए। तो उनके मुखमंडल में पसीने की बूंदें थी, उनके जो बाल थे वो लहला रहे थे, कृष्ण के चेहरे के ऊपर भी जा रहे थे, वहां की जो रस थी वो ऊपर उठ रही थी। और भीष्म देव के तीरों के कारण कृष्ण का जो शरीर था वो आच्छादित था, उसमें से रक्त भी निकल रहा था। तो भीष्म देव स्वरूप को देख के बोलते हैं, ये हमारा हीरो है, इज अवर हीरो। तो इस तरह से भीष्म देव को वो आनंद देने के लिए कृष्ण ने ये सारी चीजें की। तो कृष्ण एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, भक्त के प्राणों की रक्षा की, भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की, और भीष्म देव क्योंकि वीर रस में है, उनको वो रूप दिखाया जिससे भीष्म देव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। हाँ, जैसे हीरो कौन सा अच्छा लगता है, खास करके लोग वीर रस में, जब उसके ऊपर दो चार रॉकेट लॉन्चर हैं, उसने फूल की माला नहीं पहनी हुई है, कारतूस की माला पहनी हुई है, हाँ, उसके शरीर में कुछ घाव है और वो लड़ते हुए आगे जा रहा है, तो उसका जब पोस्टर बनता है तो लोग वीर रस में उसको देख के बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि मूवी देखनी चाहिए। उसी तरह से भीष्म देव भी कृष्ण के स्वरूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, ये हमारा हीरो, ये हमारा हीरो, जो तो सिंह की तरह सामने आ रहा है बिना डरे हुए। तो वैसे कृष्ण भी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने चक्र नहीं उठाया, उन्होंने रथ का पहिया उठाया। रथ के पहिये को आप शस्त्र नहीं कह सकते, तो ये सबसे प्रतिज्ञा तोड़ी और नहीं भी तोड़ी, दोनों काम कृष्ण ने। तो ये भीष्म देव उस तरह से अपने रस का आस्वादन करते हुए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो एंड नहीं हुई है प्रार्थना को, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, We will thank Anand Gosendra too. He took out his time on a weekday after his all his classes and extended himself for today's class. We will thank him by chanting one Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, हरे Krishna, कृष्ण Krishna, Krishna, कृष्ण Hare Hare. कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय. और सारे भक्तों को क्लास नहीं होगा ना रथ यात्रा की नेक्स्ट, शुभकामनाएं। हरे बोल। नेक्स्ट क्लास नहीं होगा ना, रथ यात्रा है. हाँ, रथ वो नहीं होगा, मैं तो बगल में ही हूँ, तो मैं तो रथ यात्रा पूरा अटेंड करूंगा हरे संडे को। कृष्णा हाँ प्रभु. जी, प्रभु ये भागवतम का कौन सा चैप्टर?